गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। सर ठीक, कैसा सर? ठीक है। अच्छा सर, और लॉकडाउन का सर बढ़वा दिए ना सर? लॉकडाउन फिर से बढ़ गया ना, इतना केस आएगा तो बढ़ेगा ही। हाँ सर, हाँ 13 मई तक हो गया सर, पूरा 21 चलेगा सर लॉकडाउन। क्या सर, हम लोग का भी ऐसे 6 सेमेस्टर पास हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, तुम लोग एग्जाम होगा 6 सेमेस्टर का। एग्जाम कब होगा सर 6 सेमेस्टर का? हाँ 6 सेमेस्टर तो जब नोटिस आएगा जेओटी से तब हो जाएगा। बोलो सास, तुम जो है इतना दिन से तुम था नहीं, साहिल हमरो? हाँ सर। सुशील हमरो ना? यस सर। सुशील अमरम बोलो तुम, तो किसको बोल रहे हैं सर? सुशील अमरम को तुम? सुशील, हाँ सुशील को बोल रहे हैं। तो बताओ, अभी तक ने हम मतलब कि जो भी पढ़ाए थे उसमें से कौन सा चैप्टर तुमको सबसे ज्यादा फेवरेट लगा था? किसमें सर? एडवांस कंस्ट्रक्शन में। प्रीवियस वाला ना सर, प्रीवियस सेमेस्टर का बात करें, इसमें तो पहले क्लास हम ज्वाइन नहीं किए थे सर। क्यों मतलब प्रीवियस सेमेस्टर का बात कर रहे तुमसे? चलो ठीक है, प्रीवियस सेमेस्टर का बात करते हैं। हाँ सर। हाँ बोलो, कौन सा चैप्टर तुमको ज्यादा अच्छा था जो हम पढ़ाए थे? 4 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, आ जाओ। क्वेश्चन पूछेगा सर? हाँ जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। आज मत पूछिए सर, कल पूछिएगा। कल क्यों सर? याद नहीं सर, अभी सब भूल गए हैं। पढ़ा क्या था तुम भूल गया? कहाँ पढ़े लॉकडाउन में सब ऐसे। बताओ चैप्टर का नाम बताओ, कितना सारा चैप्टर था? नहीं याद है सर चैप्टर का नाम ही। बताओ क्या तुम पढ़ोगे? किताब खरीद के रखे हैं सर, देखे नहीं। तो तुमको फिर पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं, ना कभी क्लास आते हो ना कभी क्लास आते हो ना कुछ करते हो, अभी पढ़ेंगे सर? अभी क्लास करेंगे ना, रेगुलर क्लास। तुम बोलो कितना तारीख को तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो। उतने उसी तारीख को पूछेंगे और उसी चैप्टर से पूछेंगे, बोलो कौन से चैप्टर का नाम, बोलो। मतलब अभी बाद में पूछेगा ना सर? नहीं नहीं, मतलब अभी अभी तुमको दे रहे टाइम, कल तुमसे पूछेंगे, बोलो कौन से चैप्टर से पूछना है। सर अभी तो नहीं हो पाएगा सर। क्यों कहाँ पढ़े हम भूल गए सर? फिर से पढ़ो उसको सर, मेरे पास बुक वगैरह अभी नहीं है सर। अभी हम जहाँ है ना, जब क्लास कराते हैं तुम क्लास नहीं ज्वाइन करते हो, कभी आते नहीं हो, और उसके बाद जब बोलते हैं तो तुम जो है बोलते हो कि हाँ क्लास मतलब कि कल बताएंगे। जब कल का बोलते हैं कि कौन सा चैप्टर से बताएंगे तो तुम जो उल्टा हमसे बोल रहे हो कि आप हम कहाँ से बताएंगे, मेरे पास बुक नहीं है। तो ये मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम तुमको बुक घर पहुँचाए ले जाएंगे कि खुद से पढ़ना था? सर अभी से रेगुलर क्लास करेंगे। रेगुलर क्लास कर लो मतलब रेगुलर तुमसे क्वेश्चन डेली, क्लास होने के बाद डेली तुमसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, चारों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है हाँ, चलो अपना बंद करो, साउंड बंद करो, म्यूट करो। आर्यन कुमार, आर्यन कुमार, आर्यन कुमार एग्जिट। कहाँ हुआ सर? क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, आ जाओ। बोलिए कौन सा चैप्टर से पूछे?
नहीं पढ़े अगर कुछ कुछ नहीं पढ़े हो नहीं क्यों इतना सारा कौन? जो भी सर... जितना भी सारा बुक में पढ़ा है फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़े हो सर साहब भूल गए मतलब, पता नहीं मतलब चल रहा है फाइनल रिजल्ट की तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो ठीक है तुमसे तुम्हारा गार्जियन सर अब लॉकडाउन में क्या पढ़ेंगे सर बुक खाइए नहीं कुछ था जब क्लास होता है तो क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो तो क्लास आते नहीं है सर कितना तारीख का अटेंडेंस दिखाया तुमको देख लीजिए अटेंडेंस तारीख होगा नहीं कितना तारीख हम तारीख याद करके रखे हैं सर तो तुम रेगुलर क्लास आते हो ना दिखाए तुमको कल का दिखाते हैं कल का दिखाए कल हम नहीं आए थे सर परसों का दिखाते हैं परसों का दिखाते हैं कल नहीं आए थे तो परसों का दिखाते हैं परसों भी नहीं आया ऐसे क्लास आने से क्या फायदा जो जो मेरे क्लास में नहीं आता है एग्जिट कर जाओ आप अपना पढ़ाइए ना सर नहीं जो मेरे क्लास में नहीं आता है एग्जिट कर जाओ नहीं तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे सर कहा एग्जिट कर दीजिएगा रिमूव कर देंगे फालतू को सवाल जवाब नहीं चाहिए जब हम क्वेश्चन पूछेंगे दो दिन क्लास मतलब हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम जवाब नहीं दोगे लेकिन हम कुछ हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ने भी नहीं आओगे और हम तुमसे पूछेंगे तुम जवाब भी नहीं दोगे पढ़ाइएगा तब ना सर अच्छा ठीक है आज पढ़ा रहे हैं तुमसे आज ही क्वेश्चन पूछेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा आज ही क्यों बताएंगे सर अभी तुमको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा एक मिनट रुको क्या चाहते हैं नहीं पढ़े हैं बोलो आज क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे फिर जवाब देना पड़ेगा आज मेरा रिवीजन क्लास सर आप अपना पढ़ाइए ना सर आप पढ़ाइए ना तुम बाहर जाओ चलो आज हम पढ़ाएंगे फॉर्मवर्क बारे में ठीक है फॉर्मवर्क कल बता चुके थे कुछ पोर्शन बचा हुआ था कुछ पोर्शन को आज कंप्लीट कर दे रहे हैं तो कल फॉर्मवर्क के बारे में पढ़ाए थे तो फॉर्मवर्क में स्टील फॉर्मवर्क के बारे में बता रहे थे स्टील प्रॉप्स और तुम्हारा एच फ्रेम के बारे में बता रहे थे और आज जो है एच फ्रेम के बारे में बात उसके बाद जो है स्टील प्रॉप्स टेलीस्कोपिक प्रॉप्स दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे स्टील प्रॉप्स के बारे में कल बता दिए थे कि इसका यूज जो होता है स्टील फॉर्मवर्क में वर्टिकली डायरेक्शन में जो है सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए मेंबर में करते हैं दिस और फिर ये थोड़ा इकोनॉमिकली यूज फॉर हैवी लोड्स फॉर द आपका इसका बियरिंग कैपेसिटी और इसका जो दो प्रकार का इसका साइज था आपका हैवी ड्यूटी के लिए तुम्हारा 2 मीटर से लेकर 3.75 मीटर का और फॉर लाइट वेट के लिए 0 मीटर से लेकर 3.2 मीटर का था तो यहाँ पर स्टील प्रॉप्स के बारे में दिखा दिए थे कि स्टील प्रॉप्स क्या होता है ये सब सारे जो है जितने सारे दिख रहा है ये सब सारे स्टील प्रॉप्स हैं ठीक है अब नेक्स्ट है जो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स तो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे टेलीस्कोपिक प्रॉप्स बताएंगे टेलीस्कोपिक प्रॉप्स तो टेलीस्कोपिक प्रॉप्स भी आपका सेम है मतलब उसी टाइप का दिख रहा है लेकिन टेलीस्कोपिक प्रॉप और तुम्हारा स्टील प्रॉप्स दोनों में डिफरेंस क्या है कि टेलीस्कोपिक प्रॉप्स के जो मिडिल पोर्शन में यहाँ पर देखो आपका होल जैसा दिख रहा है ठीक है इसमें आपका होल वाला पोर्शन है इसमें सबको एडजस्टेबल होगा ऐसे वैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इसका हाइट है मतलब कि इसमें इसका जो
3.5 मीटर का हाइट से मतलब इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, 3.75 मीटर से ज्यादा इसका हाइट का यूज नहीं कर पाते हैं, जो भी होता है उतना ही साइज का यूज करते हैं। इसका जो आपका जो दो कपलिंग है यहाँ पर जो जोड़ा हुआ पोर्शन है उसका जो डायमीटर होता है वो 230 एमएम से अप्रोक्स होता है और उसके अबव होता है, उससे ज्यादा का ये हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। वो टेलीस्कोपिक प्रोब्स हो गया और एडजस्टेबल मतलब कि स्टील प्रोब्स दो हम लोग पढ़ा दिए। अब है एडजस्टेबल स्पैन्स, तो स्पैन का जो पोर्शन है तो स्पैन मतलब क्या कि जो हम लोग दो कॉलम के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग कवर करने के लिए एडजस्टेबल स्पैन का यूज करेंगे। तो दीज स्पैन्स आर सपोर्ट थ्रू अ सेंटरिंग प्लेट्स, ठीक है, ये सपोर्ट्स करता है जितने भी सारे सेंटरिंग प्लेट्स हम लोग लगाते हैं उसके सपोर्ट्स करने के लिए नीचे से क्या कि आपका एडजस्टेबल स्पैन्स का यूज करते हैं, यानी कि बीम की तरह ये दिखता है और ये जो होगा इसका जो लेंथ है वो आपका 2 मीटर से लेकर 4 मीटर के अप्रोक्स हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, 2 से 4 मीटर। तो इसमें भी आपका दो प्रकार का होता है, पहला जो है आपका जूनियर स्पैन और एक है सीनियर स्पैन, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैन ये एडजस्टेबल स्पेंस दिख रहा है जिस तरह का हम लोग बीम का जो पोर्शन है उस जगह पर हम इसका यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जहां पर बीम लगाता है बीम नीचे से इसके ऊपर हम लोग लगाकर इसके ऊपर सेंटरिंग प्लेट्स जो हम लोग लगाते हैं फिर हम लोग जो ऊपर छत डालते हैं। तो ये एडजस्टेबल होता है, इसका साइज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। देखो मिडिल पोर्शन में जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि इंटरनल में एक दिख रहा है वो क्या होगा एडजस्टेबल करेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा आगे पीछे आपका होगा और ये इसका जो 2 मीटर से लेकर 4 मीटर के बीच में ये आपका क्या करेगा एडजस्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम जो है एडजस्टेबल स्पैन है, ठीक है। तो एडजस्टेबल स्पैन में द स्पैन्स अलाउ मैक्सिमम सेफ्टी, एकोमोडेट्स रूप होल्डिंग, ठीक है, रूप होल्डिंग जो हम लोग करते हैं जब रूप बनाते हैं उसको होल्डिंग करने के लिए इसका जो है सेफ्टी के दौरान में हम इसका यूज करते हैं। रिड्यूस द स्पैन्स फॉर स्टोरेज एंड पेवमेंट्स एनी वेस्टेज ऑफ कॉम्प्रेस्ड ऑफ वुडन फॉर्मवर्क, जहां पर है कंपेयर जब भी हम भी कर रहे हैं वेस्टेज ऑफ वुडन फॉर्मवर्क के साथ, तो वुडन फॉर्मवर्क के साथ कैसे कर रहा है ये कंपेयर क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग एडजस्टेबल स्पैन्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि जो भी स्पैन्स वाला पोर्शन में हम लोग ग्रिडर का पोर्शन लगाएंगे, यानी कि जो लकड़ी का जो आपका मोटा इस तरह का हम लोग बीट लगाएंगे उसके ऊपर ना हम लोग कवर्ड करेंगे, तो उस पोर्शन में क्या हुआ कि इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन इसलिए किया है क्योंकि उसको छोटे छोटे टुकड़े में वुडन पीस को हम लोग बार बार कट करना पड़ता है, ठीक है, अगर मान लो एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको बढ़ाना पड़ता है, बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ता है और घट जाता है तो एडिशन बढ़ जाता है उसको कटिंग करना पड़ता है। तो ये जो होगा उसका हम लोग कंपेयर करते हैं वुडन के साथ में, क्योंकि ये एडजस्टेबल है, जितना हमको साइज चाहिए ऑटोमेटिक उस साइज का हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ये मेरा एडजस्टेबल स्पैन हो गया। फिर एक कॉलम फॉर्मा, ठीक है, कॉलम फॉर्मा जो होता है दो प्रकार का होता है, हमेशा याद रखेंगे जो कॉलम फॉर्मा होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा कॉलम फॉर्मा जो होता है आपका सर्कुलर होता है और एक होता है स्क्वायर, सर्कुलर को राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर स्पॉन और तुम्हारा सर्कुलर फ्रेम कॉलम फ्रेम और तुम्हारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर्ड कॉलम फ्रेम। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट है तुम्हारा स्क्वायर्ड कॉलम फ्रेम, तो कॉलम फ्रेम के बारे में भी एक बार देख लेते हैं।
तो कॉलम फ्रेम जो है ये जो है हमारा कॉलम फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया जा रहा है कि एक एक साइड से ये जोड़ा हुआ है 90 डिग्री में और दूसरे साइड से जोड़ा हुआ है, ये हो गया कॉलम फॉर्मर। दो प्रकार का कॉलम फॉर्मर है, एक तुम्हारा राउंडेड और दूसरा है आपका सर्कुलर। तो फर्स्ट है स्क्वायर्ड में देख रहे हैं, स्क्वायर्ड मतलब क्या, ये हम लोग स्क्वायर पोर्शन का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, द साइज एडजस्टेबल फॉर द कॉलम स्क्वायर फॉर्मर आर, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में आता है। पहला है 225 मिलीमीटर का, एक होगा 225 मिलीमीटर का, एक होगा 390 मिलीमीटर का, और एक 375 मिलीमीटर का, एक 450 मिलीमीटर का। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो इस साइज का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो है इसका साइज का यूज कर लेते हैं। दीज आर टिपिकली टोटली बोल्टेड, मतलब ये जो होगा दीज आर द टोटली बोल्टेड टाइप ऑफ असेंबलिंग एंड रिमूवल आफ्टर द कास्टिंग। यहाँ पर क्या होगा, टोटली हम लोग इसको हैंडल कैसे करते हैं, तो ये हैंडलिंग कैसे होता है कि टोटली बोल्ट से हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं, यानी कि जो ये आप पोर्शन पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये पोर्शन से दूसरे पोर्शन को एडिशन करते हैं और साथ ही साथ हम उसको बोल्ट से कनेक्शन कर देते हैं सेम डायरेक्शन में। अगर अपर डायरेक्शन एक बार में कॉलम का ऊपर से नीचे तक ढलाई हो रहा, तो दूसरे उसको यहाँ से कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर भी आपका दिखाया जा रहा। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बोल्ट से कनेक्शन करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कास्टिंग कर देते हैं। रिमूवल आफ्टर द कास्टिंग, यहाँ पर हम लोग आफ्टर फिर उसको क्या करते हैं, बोल्ट को खोल कर आफ्टर जो कास्टिंग के बाद हम उसको रिमूव कर लेते हैं। दीज आर अवेलेबल इन 120 सेंटीमीटर इनटू मतलब 120 सेंटीमीटर टू आपका 250 सेंटीमीटर हाइट का ये होता है। जो ये हाइट दिखाया गया है, इस हाइट का दिखाया गया कि इस हाइट का ये आपका डिफरेंट डिफरेंट हाइट का ये होता है। तो पहला जो हाइट दिखाया गया है, ये हाइट कितना दिखाया गया है कि 120 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक का ये हाइट आपका आता है। और ये जो डायरेक्शन ये जो दिखाया, जो स्पान का जो इसका जो आपका स्क्वाड का जो साइज होगा, तो उसका कितना होगा, तो 225 यानी 225 गुना 225 एक होगा, पहला कॉलम बनेगा, दूसरा बनेगा 300 × 300 का, और एक होगा तुम्हारा 375 का, और दूसरा लास्ट होगा जो 450 मिलीमीटर का। ये सारा कुछ होगा, सब कुछ मिलीमीटर में होगा, जो उसका साइज होगा कॉलम का। और इसका हाइट कितना होगा, तो हाइट डिफरेंट आपका जो 120 से लेकर 250 के बीच में ये चेंज होगा। दे गिव्स गारंटीड क्वालिटी फिनिशिंग फॉर द कंक्रीट सरफेस, नो वेस्टेज, नो एस आपका वुडनेस फॉर्मर बोल रहा है कि गारंटी देता है, गारंटी ये गारंटी कहता है कि इसमें गारंटी है कि जो आपका कंक्रीट है उसका क्वालिटी एकदम फिनिशिंग वर्क देगा, साथ ही साथ नो वेस्टेज मतलब कि कोई प्रकार का वेस्टेज नहीं देगा अगर इसका फॉर्मर वुडन फॉर्मर की तरह, तो वुडन फॉर्मर की तरह जो है इसमें कोई वेस्टेज नहीं देगा। सेकंड आता है आपका कॉलम फॉर्मर में राउंड, ठीक है, राउंड या सर्कुलर। राउंड का देख लेते हैं, राउंड कॉलम फॉर्मा यानी कि जो कॉलम फॉर्मा होगा सेम होगा लेकिन ये राउंडेड शेप में होगा, ठीक है। ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है ये राउंडेड शेप में है, राउंडेड शेप में आते हैं। तो राउंडेड शेप में कह रहा है कि राउंड फॉर्मर्स आर अवेलेबल इन 1200 मिलीमीटर, ठीक है, 1200 मिलीमीटर का ये आपका होता है इसका लेंथ, ठीक है, लेंथ का बात कर रहा है। एंड इन टू सेगमेंट्स मतलब कि दो सेगमेंट में होता है, एक आपका 50 पार्ट यानी कि जो होगा 360 डिग्री का होता है 20 मिडिल पोर्शन से, तो हम लोग जो देखेंगे 180 डिग्री से बीच से काट देंगे किसी भी गोल को तो कैसा दिखेगा, हाफ हाफ, तो उसी तरह से ये आपका दो पार्ट में रहता है।
दोनों पार्ट को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जोड़कर हम लोग वहां पर यूज करते हैं। द डायमीटर ऑफ कॉलम, ठीक है, द डायमीटर ऑफ कॉलम कैन बी डिसाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब कि जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार हम लोग उसका डायमेंशन देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो मतलब कि हम लोग के पास में जो फार्मा है वो मान के चलो कि लाए हैं और हमको वहां पर बताया गया रिक्वायरमेंट है 12 mm का और हम लोग यहाँ 10 mm का मेरे पास फार्मा है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 12 mm का नहीं है तो 10 mm का वहां पर यूज नहीं करेंगे। हम लोग को फिर रिक्वायरमेंट 12 mm का है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 mm का फार्मा तैयार करेंगे। फिर पहले क्या करेंगे, उसको ऑर्डर देंगे, फार्मा तैयार होके आएगा, उसके बाद कॉलम को बनाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। कास्टिंग करने के लिए हम लोग जो है इसको पहले हम लोग बनाते हैं। दीज आर टोटली बोल्टेड टाइप ऑफ असेंबलिंग एंड रिमूवल आफ्टर द कास्टिंग, सेम आपका जिस तरह से स्क्वाड में भी था कि टोटली बोल्टेड कनेक्शन होता है इसमें, साथ ही साथ इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं आफ्टर द कास्टिंग, जब कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं आफ्टर द कास्टिंग। Rounded sheets offer can be excellent finishings of columns after the casting. ये excellent finishing देता है after the casting. Casting के बाद ये क्या होता है कि अच्छे से अच्छे प्रकार का ये quality का ये casting जो finishing work, पर finishing बहुत अच्छे प्रकार से ये हम लोगों का देता है। Adjustable columns clamps, मतलब कि आप जो है adjustable columns clamp, अगर हम इसको लगाए हैं और नट बोल्ट भी लगाए हैं फिर भी हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं कि पकड़ने के लिए हम लोग जो है सिकंजा लगाते हैं, उसको हिंदी में मतलब कि जो सिकंजा बोलते हैं और उसको कॉलम्स क्लैंप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हम लोग कॉलम्स एडजस्टेबल कॉलम क्लैंप्स, तो एडजस्टेबल कॉलम्स क्लैंप्स का कैसा होगा कि हम लोग स्क्वाड में भी और रेक्टेंगुलर में भी दोनों को हम लोग सेम आपका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है एडजस्टेबल कॉलम्स क्लैंप्स दिख रहा है हम लोगों का, जैसे हम लोग स्क्वाड पोर्शन पे करेंगे तो स्क्वाड पोर्शन और रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है कि स्क्वाड पोर्शन पे किस तरह से एडजस्टेबल स्पैन किया। यहाँ पर देखो कैसा है कि ये पोर्शन जो होगा आपका मुड़ा हुआ पोर्शन रहेगा, यानी कि इसमें आपका होल रहेगा, ये वाला आपका आपका इसमें एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर में यहाँ पर देखो इस तरह का जो आपका नोखिला टाइप का जो पोर्शन आपका निकला हुआ है इसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा है कि यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं ताकि इसके बाहर ना जा सके। सेम चीज सेम होता है इस डायरेक्शन में भी, यानी कि चारों को एक दूसरे से हम लोग एडिशन करने के लिए एक दूसरे को एडजस्ट कर देते हैं और एडजस्ट करके हम लोग इसके अंदर में जो स्क्वाड लगाएंगे, हो सकता है कि हम लोग अब रेक्टेंगुलर पोर्शन लगाना है तो रेक्टेंगुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जैसा यहाँ दिख रहा है इसको अब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इस पोर्शन के लिए और यहाँ से हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन निकल जाएगा मेरा कॉलम का, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता कि आपका आफ्टर हाफ इंचेस के बाद इसमें होल रहता है, ठीक है, हाफ इंचेस के बाद होल रहता है। और ये इसका जो साइज दिया है, नहीं साइज नहीं बताया गया, ये एडजस्टेबल स्पैन का साइज नहीं बताया कितना है, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं कि कोई भी कॉलम्स 440 mm का यूज करते हैं, ठीक है, तो 450 mm तक का ये करता है, हम लोग उसको 6500 के आसपास उसको बढ़ाकर यूज करेंगे उसमें से, क्योंकि वो आपका एडजस्टेबल है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलम्स सिकंजा है, क्लैंप्स है, इस क्लैंप्स का यूज करते हैं। इस क्लैंप का यूज करने के बाद हम लोगों क्या करता है कि जो कॉलम्स है मतलब कि जो इस तरह का कॉलम बना हुआ है,
इस कॉलम में क्या करता है कि इसको चारों तरफ से होल्डिंग पकड़ने का काम करता है, यानी कि इस पोर्शन से निकला, इस पोर्शन के लिए शिफ्ट किया, इस पोर्शन से निकला, इस पोर्शन के लिए शिफ्ट किया, इस पोर्शन से निकला, उस पोर्शन के लिए शिफ्ट किया, इस पोर्शन से निकला, इस पोर्शन के लिए शिफ्ट किया, इस तरह से चारों तरफ से ये आपका एडजस्टेबल करके इसके बाद हम लोग कॉलम को तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें जो मटेरियल डालेंगे वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इंटरनली वॉइड्स के वजह से ये क्या होगा, बाहर की ओर फेंकेगा, बाहर की ओर फेंकेगा तो एडजस्टेबल में आपका दिक्कत आएगा, यानी दिक्कत कैसे आएगा कि जब क्लैंप लगा हुआ रहेगा तो अच्छे प्रकार से ये सेट करेगा, लेकिन जब बोला गया कि वो टोटली बोल्टेड है, हो सकता है कोई मेरा नट बोल्ट स्लिप कर गया, ठीक है, फ्री हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि ये क्लैंप्स मेरा मदद करेगा उसको होल्डिंग करके रोक के रखने का, कॉलम किसी भी प्रकार का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें जब मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उस दौरान में कोई भी आपका पोर्शन जब आपका इस तरह का फेलियर करता है, इस तरह का फेल कर जाता है आपका बोल्टेड वगैरह, तो वहां पर क्या होता है कि मेरा लॉसेस हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा कॉलम खराब हो जाता है, कॉलम खराब नहीं होता है, लेकिन वो मटेरियल एक्स्ट्रा खा जाता है और थोड़ा मोटा जैसा दिखने लगता है, ठीक है, मोटा जैसा दिखने लगता है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करने के लिए भी आपका एक सेफ्टी, तो हमारा नट बोल्ट सभी पे लगा हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोग एक नट बोल्ट और तैयार करके लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिकंजा, ठीक है, सिकंजा हम लोग लगाते हैं, सिकंजा लगाकर हम लोग जो है फॉर्मवर्क का यूज करते हैं। अब आ जाइए कि एडजस्टेबल स्पैन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लैंपिंग फॉर द कॉलम्स बीम्स शटरिंग, ठीक है, तो कॉलम्स बीम्स और शटरिंग में हम लोग जो है क्लैंपिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। दे अलाउ द क्विक एंड रिजिड क्लैंपिंग फॉर्मवर्क, मतलब ये क्या होता है, अलाउ कर देता है, रिजिड मतलब कि अपने तरफ से ये पूर्णतः जो है कठोर देने का कोशिश करता है, यानी कि पूर्णतः ये ऐसा कर देता है कि वो पोर्शन को हिलने नहीं देगा, कठोर बना देगा, ठीक है, फॉर्मवर्क के दौरान में। तो दीज एंश्योर दे एंश्योर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ साइज ऑफ कॉलम्स आफ्टर द कॉन्क्रीटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दीज एंश्योर द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द कॉलम आफ्टर कॉन्क्रीटिंग, यहाँ पर जो आपका जितना भी आपका साइज बता रहा है कि जितना भी हम लोग को साइजिंग दिया हुआ है कॉन्क्रीटिंग का, उसके साइज के जो उसके हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, उससे साइज का बढ़ाकर हम लोग साइज का यूज वहां पर एडजस्टेबल क्लैंप्स का यूज करते हैं। तो एडजस्टेबल क्लैंप्स आर अवेलेबल फॉर द फोर आर्म्स, उसमें से चार आर्म रहते हैं, दे विथ एजेस फॉर द फोर कॉर्नर, उसके चार कॉर्नर होता है, कैन बी यूजेस फॉर कॉलम्स एंड सिंगल लॉक्ड, ठीक है, वो सिंगल लॉक्ड रहता है, दे क्लैंप्स कैन बी यूज्ड फॉर बीम्स, ठीक है, हम लोग ज्यादातर इसका जो यूज करते हैं देयर फॉर द बीम्स के पोर्शन पे शोइंग इन द फिगर, मतलब यहाँ पर फिगर है तो फिगर में देख लो कि किस तरह से हम लोग वहां पर एडजस्टेबल किया जाता है, ये जो पोर्शन दिख रहा कि चार आर्म है, इसका चार बांह है, चारों बांह को हम लोग जो एडजस्टेबल करते हैं कॉलम्स बीम्स पोर्शन पे, ठीक है। अब जो है आपका प्रोपेक्स, देखो प्रोपेक्स इसको बोलते हैं, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है खड़ा वाला, इसी को हम लोग प्रोपेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपेक्स क्या करता है कि जो अपर पोर्शन पे जितने भी सारे लगा हुआ है और बीच मिडिल पोर्शन में इसका लिफ्टिंग का काम आता है, मतलब इसको एडजस्ट किया जाता है। और कोई फिगर हो दिखाते हैं,
तो यही है प्रोपेक्स। अब यहां पर देखो कि सभी में डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है, कोई एडजस्टेबल होल वाला है, ये क्या है और ये क्या है, डिफरेंस है। इसके ऊपर में आपका पोर्शन लगा हुआ है और इस तरह का एडजस्टेबल है। तो ये जितना सारा एडजस्टेबल दिख रहा है वो क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेक्स। स्टील प्रॉप्स, प्रोपेक्स और टेलीस्कोपिक प्रॉप्स, मतलब कि टेलीस्कोपिक प्रॉप्स, स्टील प्रॉप्स और प्रोपेक्स, ये चारों कुछ क्या है आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह का सपोर्टिंग करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ये कैसा दिख रहा है कि एक पोर्शन मिडिल पोर्शन में क्या करते हैं, उसको हम लोग एडजस्ट करके अपर पोर्शन में जो हम लोग यहाँ पर ग्रेडर प्लेट के इस्तेमाल किए हैं, फिर एडजस्ट स्पेंस वगैरह का इस्तेमाल किए हैं, उस स्पेंस के लिए हम लोग नीचे में से क्या करते हैं, सपोर्ट्स देने के लिए इसका यूज करते हैं। सपोर्ट्स यानी कि नीचे पोर्शन से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट्स लगा देते हैं और सपोर्ट्स लगाने के बाद हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका प्रोपेक्स है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एडजस्टेबल होता है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो जब हम लोग इसका यूज करते हैं उस दौरान में क्या होता है कि हम लोग को जितना साइज चाहिए प्रॉपर साइज का, हम लोग वहां पर बीच मिडिल पोर्शन पे ये जो पोर्शन है उस पोर्शन से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसको हम लोग जितना साइज चाहिए उतना साइज का हम लोग एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं प्रोपेक्स का। तो हम लोग देखे क्या, स्टील प्रॉप्स, फिर है आपका एडजस्टेबल स्पैन, स्टील प्रॉप्स, टेलीस्कोपिक प्रॉप्स और तुम्हारा जो है प्रोपेक्स, ये तीनों जो होगा सेम क्या करता है, सपोर्टिंग मेंबर है जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका किसका, तो आपका स्टील प्रॉप्स, टेलीस्कोपिक प्रॉप्स और एक है आपका प्रोपेक्स। ये तीनों का हम लोग जो है वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए नीचे पोर्शन पे लगाते हैं फॉर्म वर्क के दौरान में, जब हम लोग फॉर्म वर्क कर रहे हैं उस दौरान में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इट इज द बेसिकली यूज्ड वेयर द हाइट ऑफ ग्रेटर देन द पार्टिकल, ठीक है, जितने भी सारे हैं उस पार्टिकल से जो हम लोग का पास में है उससे ये ज्यादा हाइट तक ये देता है। मोर हाइट एंड प्रॉप्स इन टू एंड थ्री टायर, मतलब इसमें जो है आपका एक दो तीन इस तरह से कंटिन्यू इसका यूज करते हैं। रुको एक मिनट, बारिश हो रहा है। तो हम लोग जो है तीन चीज पढ़ लिए, स्टील प्रॉप्स और टेलीस्कोपिक प्रॉप्स और तुम्हारा प्रोपेक्स। अब नेक्स्ट है ट्यूबुलर फॉर्मवर्क। तो ट्यूबुलर फॉर्मवर्क का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन जो है आपका
कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर आपका छोटे छोटे कलवर्ट्स वगैरह बनते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम बनता है, उस पोर्शन पे हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मर का यूज करते हैं। तो ट्यूबुलर फॉर्मर क्या होता है, उसका यूजेस हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग को क्यों करने से ही हम लोग को आसान पड़ता है, ठीक है। तो ट्यूबुलर फॉर्मर जो होगा एक ट्यूब की तरह होगा, ठीक है। ट्यूब कैसा होता है कि आपका गोल रहता है, लेकिन ये यहाँ पर लंबा और सीधा स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है। स्ट्रेट ट्यूब है, स्ट्रेट ट्यूब के साथ हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हवा भर लेते हैं, और जैसा गैप आपका लंबा वाला जो आपका सिलेंडर रहता है उस टाइप का हम लोग उसमें हवा भर देते हैं। ये ट्यूब का होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ से इसका फॉर्मवर्क कर देते हैं, फॉर्मवर्क करने के बाद बाहर साइड पे, और हम लोग कंस्ट्रक्शन करके फिर इस ट्यूब जो फॉर्मवर्क है उसमें जब हम लोग फर्स्ट टाइम जो हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद फुलाते हैं, उस हवा को कम कर देते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक, मतलब कि उसको फिर हवा को निकाल देते हैं। हवा को निकालने के बाद क्या करता है, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर देता है, चिपक जाता है, और चिपकने के बाद मतलब कि कम हो जाता है, और फिर उसमें से हम लोग क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं बाहर। निकालने के बाद वो आसानी से मेरा निकल जाता है। हम लोग जहाँ पर बड़े बड़े जैसे कि कोई एक रोड पास कर रहा है और छोटा सा जरूरत है, वहां पर जो है पानी कुछ आकर एडजस्ट हो रहा है और इस पार से उस पार नहीं हो पा रहा, रोड पे जा रहा, रोड खराब हो जाता है, तो वहां पर छोटा सा कलवर्ट बनाएंगे। तो कलवर्ट को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबुलर फॉर्मर का इस्तेमाल, ठीक है। तो ट्यूबुलर फॉर्मर हो सकता है कि आपका जो रोड है आपका सिक्स लेन, ठीक है, आपका आपका वन वे ही होगा या फिर टू लेन होगा या फोर लेन होगा तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब सिक्स लेन होगा इतना बड़ा एरिया में कलवर्ट बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो उस पोर्शन पे क्या करते हैं, आपका नंबर ऑफ होल्स तैयार कर देते हैं। होल्स कैसे करते हैं, तो ट्यूबुलर फॉर्मर के मदद से करते हैं। तो आइए दिखाते हैं ट्यूबुलर फॉर्मर क्या होता है। ट्यूबुलर फॉर्मर, तो ट्यूबुलर फॉर्मर इस जैसा कि यहाँ पर कास्टिंग के दौरान दिखाया जा रहा पाइपलाइन से, हम बोले ना कि ये जो रोड है ये आपका रोड ऊपर से पास हो रहा, ठीक है, रोड पास हो रहा, तो हम लोग क्या किया, रोड के नीचे हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मर को लगा दिए। ट्यूबुलर फॉर्मर में क्या ट्यूब जैसा दिख रहा है, और इस ट्यूब के मदद से हम लोग क्या कहें कि यहाँ पर जो दोनों साइड में फॉर्मर तैयार कर दिए और यहाँ पर हम लोग लगा दिए। हम लोग सेम आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम बना रहे हैं उस पोर्शन पे भी कर सकते हैं ट्यूबुलर फॉर्मर का। ये देखो कास्टिंग मेंबर है इसका, ठीक है, कास्टिंग मेंबर है, मतलब कि ये कास्टिंग के लिए आपका दिखाया जा रहा है कि इसमें ट्यूबुलर फॉर्मर लगाया गया है, और ट्यूबुलर फॉर्मर को यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर दिए, और इसमें दो हम लोग ट्यूबुलर फॉर्मर को लगा देंगे, और दोनों को लगाने के बाद इसको एयर डाल देंगे, फूल जाएगा, और फूलने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर हम लोग कास्टिंग कर देंगे। तो कास्टिंग जब कर देंगे कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, तो ये फिर क्या करेंगे इसका एयर निकाल लेंगे। एयर निकालने के बाद ये क्या होगा कि हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो ट्यूबुलर फॉर्मर का कुछ आपका एडवांटेज है और उसका कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि यह लंबा लंबा आसानी से कर लेता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये ट्यूब का है, इसको बार बार ऑयलिंग करना पड़ता है, बार बार इसको कहीं भी इस पोर्शन पे होल हो जाएगा तो इसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है, ये सब इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। एक बार इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, ठीक है, और ये कंटिन्यू काम करता है।